बैतूल जिले के आशीष चोपड़े ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। यह चैंपियनशिप ढाका में आयोजित की गई थी, जिसमें 7 देशों से आए कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यह चैंपियनशिप बांग्लादेश कराटे फेडरेशन द्वारा होस्ट की गई थी, जिसमें आशीष चोपड़े ने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के खिलाड़ियों को पछाड़कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं मेडल जीतकर घर वापस आने पर आशीष का स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान आशीष ने अपनी जीत का श्रेय कड़ी मेहनत और अपने परिवार को दिया। तैयारी स्टेट लेवल से की, फिर नेशनल लेवल पर खेला, फिर इंटर से जाने का मौका मिला, फिर वहाँ जाकर भी अच्छा खेलने को कम्पिटिशन मिला, नया कुछ सीखने को मिला। अभी आपने गोल्ड कहाँ जीता है? बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश में। वहाँ पर 7 टीमें आई थी, 7 में से श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से हुई थी फाइट, तो उनको हरा कर गोल्ड मिला। मेहनत तो मैं नहीं कर पाया, मेहनत तो बच्चे करते मेरे। 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करते हैं, 3 घंटे सुबह प्रैक्टिस करते हैं, और परिस्थिति के हिसाब से मैं अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया हूँ। अपनी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अपन उतने धरना सेठ भी नहीं है, पर बच्चों को पहुँचा रहा हूँ। बच्चे अपने देश का नाम कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, अपने लिए बहुत बड़ी बात है। मेहनत मजदूरी करे उससे मतलब नहीं है, पैसा नहीं उससे मतलब नहीं, बच्चे अपने बढ़ रहे हैं, नाम कमा रहे हैं देश के लिए, बहुत बड़ी बात है अपने लिए। मेरे सोच रहा है अरे दूसरे देश को हरा के आया बच्चा, दूसरे देश में अपने देश का परचम लहराना बहुत बड़ी बात है, फख्र की बात है। आपके परिवार से तो मेरे परिवार में एक बेटी भी है, वो भी इंटरनेशनल खेल चुकी है, चाइना उसको हराया था उसने, ब्राजील को। बेटा ये अभी ये इंटरनेशनल खेल के आ गया है, छोटा बेटा नेशनल होकर घर में है, वो भी भगवान चाहे तो अगले साल इंटरनेशनल खेलेगा। क्या मानते हैं बैतूल जैसी छोटी जगह? अरे बैतूल जगह शहर की छोटी जगह में तो बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से बैतूल में 10-20 बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल खेल के आए होंगे, जिसने देश का नाम रोशन किया होगा। बस शासन की अनदेखी है कि शासन कुछ देखता ही नहीं है। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।